नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बिल्ड द कॉम्पिटिशन पे। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि भाई सरकारें या राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें जल्दी से पेपर करवा कर नौकरी दे दें, तो कब देंगी या कब नहीं देंगी, पेपर होगा पेपर लीक होगा, ये बड़े हो सकता है काफी प्रश्नवाचक सवाल है। या फिर ये कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में इकलौती वैकेंसीज आ रही हैं और उसको दिन पर दिन काफी ज्यादा टफ किया जा रहा है कि भाई पहले आप सीटेट निकालिए, फिर यूपी टेट निकालिए या फिर कोई टेट निकालिए, फिर आप सुपर टेट दीजिए, फिर आप इंटरव्यू दीजिए। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में मानते हैं कि कॉम्पिटिशन टफ है, लेकिन कभी कभी शिक्षक से ज्यादा अब एक आईएएस आईपीएस बनने जैसी होड़ से कम नहीं रह गई है शिक्षक भर्तियों में अपनी जगह बनाना। मैं बात कर रही हूँ यूपी सरकार की और यूपी गवर्नमेंट में यूपी टेट को लेकर, सुपर टेट को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर, जिसमें से पिछले एक साल से कोई भी ढंग से एक भर्ती नहीं आई है और भविष्य विद्यार्थियों का अभी भी वहीं पर अटका हुआ है जहां पर जून जुलाई में फॉर्म आकर रुके थे और दोबारा से खुले नहीं है। ऐसे में धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब ये बातें हो रही है कि भाई फॉर्म दोबारा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे और उसके बाद फिर सीटें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन कुल मिलाकर के सवाल ये खड़ा होता है कि भाई नौकरी कब मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर यूपी टेट की, तो यूपी टेट के एग्जाम की अगर बात की जाए तो आयोग ने कहा है यूपी में कि शिक्षा का नया आयोग बनाएंगे, उसके हिसाब से चीजें होंगी, जल्द यूपी टेट का एग्जाम देखने को मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसकी संभावना काफी कम है। होपफुली मार्च अप्रैल में हम यूपी टेट का एग्जाम हो सकता है देख पाए। अगर यूपी टेट का एग्जाम होगा तभी हम सुपर टेट 2023 के बारे में सोच पाएंगे, प्राइमरी की भर्तियां। अब सुपर टेट के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल हैं। पहला ये कि भाई बीटीसी बनाम बीएड वाले क्या इसमें पेपर देंगे कि नहीं देंगे, तो मेरा जवाब बिल्कुल हाँ में होगा, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर इस बार चुनाव का माहौल चल रहा है, तो इस बार सरकार कम से कम आपसे फॉर्म भरवाने में और फॉर्म में आपसे पैसे लेने में, नौकरी मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन पैसे जमा करने में पीछे नहीं रहेगी। हाँ, नोटिफिकेशन बाद में निकले, बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए, बीटीसी वालों को इन कर दिया जाए तो एक अलग बात है, लेकिन हाँ सुपर टेट का पेपर की अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो जब तक यूपी टेट होगा, यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, तो आप मान के चलिए कि जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में आपको सुपर टेट का पेपर बमुश्किल ही देखने को मिल सकता है। मुश्किल है करवा पाना, क्योंकि इससे पहले आपके पास यूपी में यूपी टेट है, उससे पहले अगर बात की जाए तो अभी भी यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर लटका हुआ है। वैसे में मैंने एक्सपेक्टेड बोला है जुलाई से अक्टूबर में, इसमें भी अगर सुपर टेट का पेपर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई बीएड वाले प्राइमरी टीचर में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चुनाव का माहौल एकदम अपने पीक पर है, सरकार कभी भी, खासकर जहां पर पूरे विश्व में भाई सबसे ज्यादा नवयुवक हैं और बेरोजगारी की हालात जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो कम से कम सरकार ये कभी हमें मना नहीं करेगी भाई बीएड वाले यहाँ ना अप्लाई करें। बीएड इकलौता एक ऐसा कोर्स हो चुका है कि भाई 90 में से कम से कम 88 लोग बीएड करके बैठे हैं। वैसे में यूपी सरकार का कुछ एक कम आती वैकेंसी में प्राइमरी टीचर से बाहर कर देना अपने आप में मुझे नहीं लगता कि बहुत समझदारी वाला सवाल होगा। बाद में कोर्ट केसेस हो, हम बाहर हो अंदर हो, एक अलग मसला है। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर। आप सोचेंगे कि मैंने आखिरी में क्यों लिखा है, तो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब तक होगा। देखिए सीधी सी बात है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब होगा ना ये मुझे पता है ना आपको पता है। रही बात नए शिक्षा आयोग बनने का, तो धरना प्रदर्शन काफी जोरों शोरों पर है, लेकिन जैसा कि बहुत ज्यादा शिक्षक आयोग को इससे फर्क नहीं पड़ता, उनका कहना है कि जब तक नया शिक्षक आयोग नहीं बन जाता तब तक हम यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं करवा सकते। अब विद्यार्थियों की मांग है कि भाई जब आप बनाएंगे तब बनाएंगे, कम से कम हमारे हाथ में जो वैकेंसीज हैं उसको तो कम से कम आप करवाइए, ठीक है, उसमें तो कम से कम हमें अपीयर करवाइए, इसी वैकेंसीज को भरने में पेपर लेने में हमारे पास कम से कम आप मान के चलिए कि 2023 का पूरा साल निकल जाएगा, तो आने वाले सुपर टेट की और बाकी की तैयारी विद्यार्थी कब करेंगे। सवाल मुश्किल है, जवाब दे पाना भी मुश्किल है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र है, हमारा काम शिक्षा को बेहतर बनाना है। उम्मीद करते हैं और हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि इन सारे के सारे सवालों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, क्योंकि
अब हमें फॉर्म्स की जरूरत नहीं है, अब हमें नौकरी की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। कोई कमेंट है तो जरूर बताइएगा।